जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि हमने सुपर फास्ट रिवीजन जो आपकी नीट है और जो आपकी पीएनएस टीम और आगामी सभी एग्जामों को देखते हुए हम लोग आपका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, मतलब ये क्लास नंबर 2 है हमारी, जो आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो गाइस, अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही जो है रिवीजन क्लास आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते गाइस, क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है हमारे पास। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करना रहता है, वो भी आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन। ऐसे भी नहीं गाइस कि हम लोग जो है आपको जो है विभिन्न विभिन्न जो है नॉर्मली क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन रहते हैं और वह इजी नहीं होते। तो चलिएगा, सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, टिक और माइक वास्तव में होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्रस्टेशिया या फिर आपका मकड़ीवंशी या फिर कीट या फिर बहुपाद। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या इसका, मकड़ीवंशी होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, आपका टिक और आपका माइक। चले बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एनिमोन शर्करा की बनी होती है, प्राय लघु स्वर जीवी कोशिकाएं होती है, विषाणु सम एकल जंतु और आरएनए अणु के बने होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या सर जी, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया, विषाणु सम एकल जंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलेगा बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है, आपका वालर्स या फिर आपका भेड़िया या फिर आपका सील या फिर आपका हिरन। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चूज किया आपने, तो बिल्कुल सही होगा, क्या होगा आपका वालरस, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है कुट दिया है, कुट के अकॉर्डिंग आपको इन्हें जोड़ना है। देखिए पहले तो मैं क्वेश्चन समझा दूं, सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड, तो इन कुट को मिलाना है। देखिए क्या 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 दिया हुआ, यहाँ पर पंखहीन कीट दिया है, कीवी दिया है, उड़न रहित पक्षी दिया है, आपका रजत मीनाप दिया है, या फिर आपका अपपाद सरीसृप दिया है, और आपका फुफुल सीय प्राणी और मत्स्य, ऐसे सभी वर्ग दिए हैं, कुमुर दिया हुआ है, सर्फ दिया हुआ है, कुट इस तरीके से दिए है। करेक्ट आंसर बता दूं आपको, पहले का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएंगे, मतलब फर्स्ट में पंखहीन में आएगा आपका फर्स्ट ये होगा रजत मीन, सेकेंड बी में क्या आएगा, बी में आएगा फर्स्ट कीवी, उसके बाद थेकेंड में आएगा अपपाद सरीसृप में आएगा आपका फोर, ठीक है, और बचा क्या आपका डी का आएगा फाइव, क्या आएगा डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है फाइव वाला है, यहाँ पर फाइव तो दी नहीं रहा है, मतलब ये होगा थर्ड ही फोर्थ ही होगा, चलिए फाइव यहाँ पर दिया नहीं है, सॉरी फाइव दिया है, पाँच का ये फाइव दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए बढ़ते हैं गाइस, सुपर फास्ट क्लास है, इसमें बातें नहीं करेंगे हम, ओनली और ओनली आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। देखिएगा, सरीसृपों के विष ग्रंथि किसकी संगम होती है, रे मछलियों के दंश या फिर आपका मछलियों के विद्युत अंग या फिर आपका स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ या फिर कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी चूज किया है तो बिल्कुल सही है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। चलेगा बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। घेंगे घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो यह तो किंग कोबरा, आपको बताइए सर जी क्या होगा, किंग कोबरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। घोंसला कौन बनाता है, तो किंग कोबरा आपका घोंसला बनाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों में पादप जगत की, प्राणी जगत की, जंतुओं की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया जाता है, ढूंढ निकाला है कि और पहचान लिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से अब तक के ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो आपको बोला है इसने सबसे अधिक संख्या किसकी, पादपों की, कवकों की, कीटों की या फिर आपके जीवाणुओं की। क्या करेक्ट आंसर चूज किया आपने, अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, क्या होगा कीटों की, तो कीटों की आपका करेक्ट आंसर है। चले बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है, एक जीव के संपूर्ण जीवन मतलब सभी जीवों की संपूर्णता को अनुक्रमण मतलब सन 1996 में पूरा किया गया था, वह क्या कहलाता है, आपका इष्ट, आपका रंजक पुष्प, आपका मानव या फिर आपका प्लाज्मोडियम इकोवायरस। तो इसका अगर आप सभी विद्यार्थियों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होगा, इष्ट आपका कहलाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, व्हेल शार्क है, स्टोन फिश है, आपका मार्लिन है या फिर आपका हिल्सा है। तो ये तो बच्चों को पता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सर जी, क्या है आंसर नंबर ए ही आपका, व्हेल शार्क ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या होगा। तो देखिएगा, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेल का विशालतम है, मतलब दांत वाली वेल सबसे विशालतम कौन सी है। ब्लू वेल आपका, आपका फेन फिन बैंक वेल, या फिर आपका स्पर्म वेल, या फिर आपका हम बैक वेल। तो इसका आंसर भी क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या आपने किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, स्पर्म वेल क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मानव सृजस आपका लघुत्तम कपि क्या है, चिंपेंजी है, गिब्रल है, गोरिल्ला है, या फिर आपका ओरेंगुट है। तो करेक्ट आंसर क्या किया आपने, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो बिल्कुल आपका सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गिब्रल आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, सीता है, गाय है, ग्रीन प्लांट है, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या सर जी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका हमीस है। तो क्या आंसर होगा, तो बिल्कुल अगर आप सभी ने इसका आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही होगा, ग्रीन प्लांट आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कहां सही सुमिलित नहीं है, मतलब बताना है आपको कौन सा सुमिलित नहीं है, परजीवी, उपभोक्ता, सहजीवी, उत्पादक, मृतजीवी, विबंधक, या फिर आपका तृण भक्षी, गौण उपभोक्ता, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमिलित नहीं है, बाकी सभी क्या है, सुमिलित है। आप लोग को ध्यान का, परजीवी उपभोक्ता होता है, सहजीवी उत्पादक होता है, मृतजीवी आपका विबंधक होता है। चलेगा बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है, आपका समुद्री गाय, और उसके बाद खीरा दिया हुआ है, मतलब समुद्री कुकुम्बर, या फिर आपका समुद्री घोड़ा, या फिर समुद्री घास। तो आपको एक मछली पूछा है, तो यह तो पता है आपको कि कौन सा सर जी, समुद्री घोड़ा क्या है, एक निम्नलिखित में कौन सा एक मछली है, तो समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली है, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो बिल्कुल आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, तो अफ्रीकाई हाथी होता है, वेल मछली होता है, आपका दरियाई घोड़ा होता है, या फिर आपका ध्रुवीय भालू होता है। तो क्या आंसर होगा, तो बिल्कुल अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो आपका करेक्ट आंसर है, वेल मछली होगा आपका करेक्ट आंसर। चलेगा बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, साफ फिश होगा आपका, स्टार फिश होगा, पाइल फिश होगा, या फिर आपका गिटार फिश होगा। कौन क्या पूछा था, मछली नहीं है, तो यहां पर स्टार फिश क्या है, मछली नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चले बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है, तो केटल फिश होगा, क्रेक फिश होगा, आपका फ्लाइंग फिश होगा, या फिर सिल्वर फिश होगा। क्या आंसर चूज किया आपने, अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है, फ्लाइंग फिश, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपका, सहतूत साल बनाई जाती है, तो सहतूत साल किसकी बनाई जाती है, चिंकारा के बालों की, या फिर आपका हुंगल के बालों की, या फिर आपका चीरू के बालों की, या फिर आपका मेरियानो के बालों की। तो मेरियानो भेड़ पता है कहाँ, अमेरिका में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीरू के बालों से आपका सहतूत साल बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल निम्न वर्षों में से किस वर्ष किस वर्ग का प्राणी है, मतलब वर्ग में यहां पर दिया है, चाहे स्तनीय, मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, तो ये किस वर्ग का प्राणी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए स्तनीय वर्ग का प्राणी है, क्योंकि ये रेंगने वाला उभयचर तो नहीं है, ये पानी में रहने वाला तो है, पर ये स्तनीय वर्ग में इसे रखा गया है। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस आपके लिए, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई है, आपका स्क्वर्ड दिया है, सार्क दिया है, आपका ऑक्टोपस दिया है, वेल, तो वेल आपका करेक्ट आंसर है, जो क्या है यहाँ पर स्तनी वर्ग है। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली नहीं है, जेली फिश है आपका, स्टार फिश है, डॉल्फिश है, या फिर आपका समुद्री घोड़ा है। यह क्वेश्चन तो अभी बताया मैंने कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, यह समुद्र आपका वास्तविक मछली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन, मतलब मछली है, क्रेक फिश होगा आपका, रजत मीन होगा, जेली फिश होगा, या फिर आपका कैट फिश होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को प्रेस किया तो बिल्कुल सही होने वाला है, क्या होगा आपका ऑप्शन, आपका कैट फिश आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, तो यह तो पता है, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा, गलफड़ों द्वारा, या फिर आपका फिंस के द्वारा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को प्रेस किया है तो बिल्कुल सही होगा आपका, यह गलफड़े द्वारा श्वास लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे लिंग गुणसूत्र नहीं होते, चीता में भी होते, बंदर में भी होते, आपका तितली में होते, छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते। तो आपने ऑप्शन नंबर डी प्रेस किया है तो बिल्कुल सही और सही होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस में पिताशय नहीं होता है, जिराफ में, ऊंट में, चूहा में, मछली में। तो आपने आंसर क्या प्रेस किया है, अगर आप सभी के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, क्या होगा आपका, चूहा, चूहा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किसका सबसे बड़ा कशेरुकी है, तो क्या है आपका
स्विक्ड आपका सीकवीड्स है, आपका ऑक्टोपस है, या फिर आपका कोरल है, या फिर आपका जेलीफिश है, तो क्या है बताइए आप लोग। देखिएगा इसका आंसर क्या चूज़ किया आपने। अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा आपका, आपका स्क्विड आपका करेक्ट आंसर होगा, जो क्या है एक कशेरुकी है, अकशेरुकी है। चलेगा बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कहलाता है सूर्य भालू, छी आपका रीच, या फिर आपका भूरा भालू, या फिर आपका बिल्लर भालू। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी प्रेस किया है तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा रीच, जो रीच है आपको क्या करता है, मजे से आपके गलियों में आपको तमाशा दिखाता है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। गोलकृमी मतलब कौन से निमटोड में से कौन सा रोग होता है, निमेटोड से कौन सा रोग होता है, आपका फ्लू ओरेंस, या फिर आपका फाइलेरिया, या फिर आपको इंसफाइलिटिस, या फिर आपका कुष्ठ रोग। चले जाले गोलकृमी से कौन सा रोग होता है, तो अगर आपको ऑप्शन नंबर बी प्रेस किया था तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा फाइलेरिया आपका करेक्ट आंसर है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथुनोप्रांत नर को मार देती है, मधुमक्खी, या फिर आपका ड्रोंग फ्लाई, या फिर आपका मकड़ी, या फिर आपका पीट वाइपर। तो क्या आंसर चूज़ किया, अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा मकड़ी आपका करेक्ट एंड करेक्ट आंसर होने वाली है। चलेगा बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो देखिए तिलचट्टा होगा आपका, तिल्ली होगा, या फिर मच्छर होगा, या फिर आपका मकड़ी है। तो कीट वर्ग नहीं है, मतलब इंसेक्ट के बारे में पूछा इसने, तो इंसेक्ट नहीं है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को प्रेस किया तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर मकड़ी क्या है, इंसेक्ट नहीं है आपका, तिलचट्टा भी है आपका, और क्या है आपका तितली भी है, मच्छर भी है, सभी है क्या आर्थ्रोपोडा संघ में इन्हें रखा गया है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, फिर आपसे पूछा गया है क्या सर जी कीट नहीं है, यहां पर मकड़ी तो दे ही दिया था, पुनः क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलेगा देखिएगा क्या क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किट नहीं है। चलिए ये बार बार ये यही क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, आपका क्या सर जी, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकते हैं, तोता, कबूतर, गिधड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि कौन सा जो है अपना अपना जबड़ा हिला सकते, तो बिल्कुल गोरेल कौन से गौरैया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ देख लेते हैं, मैं बता दूं आपको ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। चलिए तोता जो है आपका जबड़ा हिला सकता है, मतलब चोंच को हिलाता है, तो बिल्कुल पैरोट आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, क्या है दीमक को यह भी कहा जाता है, लाल चीटी, चीटी, श्वेत चीटी, या फिर आपका श्याम चीटी। तो दीमक का एक नाम और भी क्या है, तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है श्वेत चीटी, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेगा जुगनू को कहा जाता है एक कीट, मोलस्का, आपका कृमी, या फिर आपका सूत्रकृमी। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। क्या कहा जाता है, इसे इंसेक्ट कहा जाता है, किसको, जुगनू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, तिलचट्टा, हाइड्रा, केचुआ, मछली। तो क्या आंसर किया, अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी प्रेस किया तो बिल्कुल सही है। क्या हाइड्रा, हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा तीन पृष्ठकोशी वाला हृदय वाला होता है, मगर होगा, बंदर होगा, मछली होगा, मेंढक होगा। तो क्या आंसर होगा आपका, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, तो पक्षी, मछली, सरीसृप, या फिर स्तनपाई। तो किस जाति का है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, स्तनपाई का है। किसका है, ये स्तनपाई का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, सबसे बड़ी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, या फिर आपका बैक्टीरिया। तो आपने क्या चूज़ किया, अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है, माइक्रोप्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शरीर रचना के किस वर्ग में ब्लास्ट संबंधित होता है, मतलब तो ब्लास्टर किससे संबंधित है यह पूछ लिया है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिए है, क्रस्टेशियन, या फिर आपका एरिकेनिड्स, या फिर आपका कीड़े मकोड़े, या फिर आपका मायरियो प्लास्ट। तो क्या होगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, क्रस्टेशियन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आ चुका है आपके स्क्रीन पर, उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है, तो उड़ने वाला शुतुरमुर्ग है, या फिर आपका जगूर है, या फिर आपका पेलिनियम है, या फिर आपका चमगादड़ है। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने प्रेस किया है तो बिल्कुल सही होगा, चमगादड़ इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये आ चुका है आपके स्क्रीन पर, हेलोफाइटा अच्छी वृद्धि करते हैं ठंडी मृदा को, आपका अम्लीय मृदा को, कैल्शियम युक्त मृदा को, या फिर क्षारीय मृदा को। तो ये आंसर क्या होगा इसका,
तो अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो चुका है और करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर। समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो एक परजीवी पर दूसरे परजीवी आश्रित रहते हैं, कहलाते हैं उप परजीवी, सह परजीवी या फिर आंतरिक परजीवी या फिर आपका बाह्य परजीवी, तो क्या होगा। तो आप सभी का अगर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है, उप परजीवी कहलाते हैं। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आ चुका है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से परजीव का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है, चीता शेर बिल्ली या फिर चीता अमेरिकी भारतीय तथा काले अफ्रीका कबूतर आपका पेंडुकी तथा तीतर या फिर आपका छिपकली मच्छर या सास। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को प्रेस किया तो आपका सही होने वाला है और सही है चीनी अमेरिकी या फिर आपका भारतीय तथा काले अफ्रीकी इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ चुका है आपके स्क्रीन पर। एम्फीबिया कहलाता है केवल जल में ही रह सकने वाले पशु, बहुत तेजी से चलने वाले नाव को, केवल स्थल में रहने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर क्या क्या सर जी डी क्या है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जल एवं स्थल में रहने वाले दोनों पशुओं को क्या कहा जाता है आपका, एम्फीबियन कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल से बाहर निकलने वाले एक मछली मर जाती है क्यों, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, उसके शरीर में ताप बढ़ जाता है, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, वे श्वास नहीं ले पाते, वे जल में नहीं चल पाते हैं, तो क्या आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तो आपका बिल्कुल सही एंड बिल्कुल सही होगा, वे श्वास नहीं ले पाते हैं। चलेगा बढ़ते आगे। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन रहते थे, 50 मिनट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे जो है यहाँ पर 45 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपकी आगाम एग्जाम के लिए। अगर जो है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि सर हाँ सेशन बिल्कुल निरंतर चलने दीजिएगा और आपको इसी तरीके से फास्ट और फास्ट रिविजन करना है और आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपने मार्क्स कितना लिया है इसमें और कितने आपके सही हुए हैं। और क्लास जो भी देख रहा है लाइक जरूर कीजिएगा इस और शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुकी है तो आपको शेयर करना है, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना है और क्या करना है नीचे कमेंट्स करना है कि आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्लास आपको किस तरीके से और कैसी लगी। जय हिंद, मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में।